दोस्तों अगर पेड़ से अचानक पानी निकलना शुरू हो जाए तो इसे देख के आप क्या कहोगे, चमत्कार या फिर अंधविश्वास? दोस्तों ज्यादातर लोग इस तरह की बातों को चमत्कार ही समझ लेते हैं। आंख खुली होने के बाद भी लोग इस तरह की बातों पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं। वहीं कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन बातों की सच्चाई को जानना चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये बात है छिंदवाड़ा जिले की, जहां जुन्नारदेव थाने से 5 किलोमीटर दूर एक घटना ने अंधविश्वास को जन्म दिया था। एक पेड़ से पानी का धार निकल रहा था। पेड़ से धार निकलते देख लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई थी और पूरा तांता लग गया था। लोग बोतलों में पानी भर कर ले जा रहे थे, साथ ही इसे ईश्वरीय चमत्कार भी मान रहे थे। और तो और कुछ लोग तो कपूर अगरबत्ती नारियल लेकर पूजा पाठ के लिए तक पहुँच रहे थे। और देखते ही देखते लोगों की एक होड़ मच गई बोतलों में पानी भरने के लिए। जब इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई तो इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उन्हें खुद ही आना पड़ा था। जब ध्यान से देखा गया तो एक सहजा का पेड़ था जिसमें से सच में पानी निकल रहा था। एक पल के लिए तो वो भी सोच में पड़ गए, लेकिन इस घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पेड़ को काटने का निर्णय लिया। और जब पेड़ को काटा गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दोस्तों सहजा का पेड़ अंदर से पूरा खोखला था, जिसमें कुछ दिन पहले हुई बारिश का पानी अंदर भर गया था, जिसमें से पतली धार में पानी बह रहा था। जब सच्चाई सामने आई तब पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। इसी प्रकार इस तरह की अनोखी घटना कोई चमत्कार नहीं होती है, कुछ मामलों में साइंस का भी हाथ रहता है। तो दोस्तों अगर इस तरह की किसी घटना से अगर आपका सामना हो तो एक बार गहराई में जाकर उस बात की पुष्टि जरूर कर ले, क्योंकि चमत्कार पहले के जमाने में हुआ करता था, आज के जमाने में सिर्फ हाथ की सफाई चलती है। तो दोस्तों ये थी सच्चाई पेड़ से निकलते हुए पानी की। साथ ही वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सके आपके मन में चल रहे मिथ, भ्रम और अंधविश्वास को दूर करने की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने आसपास घट रही घटनाओं के बारे में हमें जरूर बताएं, और समाज में फैल रही अंधविश्वास को कैसे रोका जा सकता है अपना सुझाव जरूर दें। दोस्तों अगर आपको भी मिथ, भ्रम और अंधविश्वास से जुड़े वीडियो देखना पसंद है तो मिथक बातें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।